આયા બધા બેઠા ને જોવે કે મા મહિનો કે દી આવે તો કેના કેના લગન હે ને તારીખ ઉગાડે से हो मजे में। कल रात को ही फार्म पे आए थे, पहले इसको आगे बैठने दे, तू पीछे आ जा। इस व्लॉग की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। तारीख कौन सी आज भैया, याद है तेरे को? नो। अरे यार क्या बात कर रहे हो, आज तारीख है 27 और मंडे है, अभी सुबह के 7 शायद बजे होंगे। अभी दिन दिख नहीं रहा, मतलब बादलों से भरा हुआ है पूरा स्काई, तो शायद बारिश हो सकती है नहीं हो सकती है वी डोंट नो, बट सुबह सुबह अभी गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। इस व्लॉग की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। सलाम नमस्ते, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल गाइज। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो इस व्लॉग में हम अभी देखेंगे इधर जो इतनी सारी बारिश हुई है तो क्या डैमेज हुआ है, क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है, सो वील फाइंड आउट, वी मेक अ राउंड एंड वील सी। और इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लैप देखने को भी मिलेगा, तो आगे आप कहीं ना कहीं देख पाओगे। तो चलो थोड़ा सा हम आगे जाते हैं और देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और इसको तो आप जानते ही होंगे, ये है लखन भाई, मेरे भाई का बेटा। कैसे हो लखन, थोड़ा बोल दो भाई, बोलो ना। अब भैया बोलो ना, थोड़ा बोलो ना। ये वीर है, उसको नहीं बोलना है। हाय वीरू, कैसे हो, थोड़ा जोर से बोलो ना। क्या कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो? चलो तो अभी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं क्या है क्या नहीं है। तो और गोप्रो से शूट करना पड़ रहा है क्योंकि रात को गांव में बिजली की समस्या एज ऑलवेज रहती है, तो कभी आ रही थी कभी जा रही थी, तो चार्ज पूरा ख़त्म हो गया था। तो अभी सुबह उठ के पहले उसको चार्ज में लगाया और गोप्रो से कर रहे हैं हम शूट। देखो ये दोनों आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। बस 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 गिर जाओगे भैया, रुको रुको रुको, तो पानी है उसमें मत चलाओ। और यहाँ पे देखो गांव में क्या होता है, किसका वॉश पाइप है, अपना है। ये देखो ये कुत्तों ने या तो डॉग्स ने या तो किसी ने देखो सत्यानाश कर दिया इसका, यहाँ से ये पूरा काट दिया उसके मुंह से। अरे यार ये बोलता है सियाड़, सियाड़ मतलब सियाड़ को समझ रहे हो आप, पता नहीं यार पूरा डैमेज कर दिया ये तो। ये तो काटना पड़ेगा अभी, इसको काट के फिर लगाने में पता है दिक्कत हो जाती है, वो पानी वहाँ से निकलता रहता है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक पास में ही, इसमें तो इतना कुछ है नहीं, बट यहाँ पे एक पास में ही फार्म है बाला काका का, बहुत ही अच्छे इंसान है वो भी, ही इज़ अ नाइस गाय। उसकी उसने भी हमारी तरह अड़द ही अड़द का ही फार्मिंग किया है। सो हाँ जी, ना भाई एम ना करो, आए यहाँ करे जाए। यहाँ पे देखो भाई ये पूरा पानी से भर गया है क्योंकि ये डैमेज है, देखो वहाँ से लेके वहाँ तक डैमेज है। और अड़द में भी कुछ इतना खास नहीं है भाई, अपना इधर आगे से है लेकिन इतना डैमेज नहीं है, दो तीन जगह पे है और बट कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। अब आगे जा नहीं सकते क्योंकि निकल नहीं सकते, कीचड़ है भाई। और अभी यहाँ से बहुत आगे भी जाना है तो हम नहीं चाहते कि पूरे कपड़े कीचड़ कीचड़ हो जाए, समझ रहे हो ना। थोड़ी देर वेट करते हैं, धूप निकलेगी तो शायद ये पानी है वो सूख जाएगा, तो अच्छा रहेगा चलने के लिए। तो चलो आगे देखते हैं। लखन निकल गए आगे साइकिल लेके और हम बाप बेटे जा रहे हैं। इसको मैंने गंदे पे बैठा लिया क्योंकि इसमें रात में जो शायद बारिश हुई थी या फिर पता नहीं क्या हुआ था, तो पूरा ना पानी पानी हो गया है ये जो ग्रास है वो। तो वीर का एक प्रॉब्लम है, उसको कहीं भी पानी वानी लगता है तो उसको गुस्सा आ जाता है, तो थोड़ा सा नाराज हो गया था। नाराज हो गए थे भैया आप, स्माइल कर थोड़ा हंस दो, कभी हंस भी लिया करो भाई हैं। चलो हंस दिया, अच्छा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, वो तो आगे निकल गया, अब पहुंच गया, रास्ता है उधर से,
तो देखते हैं जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं। उधर वेजिटेबल्स भी लगाए हुए हैं, मेरी माँ तो वो उधर जाती रहती है दिन में एक दो बार, क्योंकि उसको वेजिटेबल्स में पानी वानी लगाना होता है। और प्योर ऑर्गेनिक है, दवाई का छिड़काव किया ही नहीं है, तो अच्छा है। दवाई का छिड़काव से क्या होता है कि जो कीट होते हैं वो मर जाते हैं और अच्छा रहता है, इसमें थोड़ा डैमेज होने का प्रॉब्लम रहता है। सो कोई नहीं, चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और आज मुझे बैंक में भी जाना है, मेरा काम है, क्योंकि इन अपकमिंग ब्लॉग्स यू विल गेट द सरप्राइज गाइस। बहुत ही एक अच्छा सरप्राइज रहेगा, विच इज़ पर्सनली आई लाइक इट टू डू दैट। मतलब जब से मैंने वो सुना था ना, फर्स्ट वो वीडियो देखा था, तब से लगता था कि मैं कभी ना कभी करूँगा, मुझे एक एक्सपीरियंस करना है इस बात का। और मोस्टली आउट ऑफ इंडिया जो लोग रहते हैं उन लोगों के लिए ये मतलब कुछ नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया में ये सब करने के लिए ना लोग सोचते ज़्यादा हैं कि ये हमारी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता वगैरह वगैरह, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आई वॉज इन आउट ऑफ इंडिया, सो आई डोंट माइंड। सो मैं बताऊँगा नहीं पूरा, लेकिन जब आप आओगे तब देख लोगे। बट फिलहाल तो अभी है ये कि इसमें क्या है, ओके कुछ नहीं। और यहाँ पे चिड़िया अपना घोंसला बना रही है, आप यू गाइस कैन सी हियर, देखो यहाँ से पूरा ये ऐसे बना रही है। अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन धीरे धीरे ये बना लेगी अंदर कुछ ना कुछ रख के। सो चलो घर की तरफ भी चलते हैं। वीर भाई होल्ड करना, मैं थोड़ा सा काट देता हूँ। अड़द पे आया हूँ मैं और काफ़ी अच्छा है, आई होप कि सही से रह जाए और अच्छा हो जाए, क्योंकि यू गाइस नो कि एक तो हमने फसल ले ली है, क्या नाम था उसका, कौन सी फसल ले ली उसको क्या बोलते हैं, सोयाबीन की तो फसल ले ली, उसमें तो पूरा वो हो गया। और जया की आज थोड़ी सी तबीयत वैसे ठीक है, लेकिन वैसे नहीं पता नहीं उसकी कौन सी वाली है, लेफ्ट वाली आँख में कुछ हो गया है, तो पूरी आँख सूज गया है, पता नहीं। यहाँ रात को वो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसने किसी एक ने तो बाइट कर लिया है, ये नहीं है तो ये हो गया है, आंजनी हुआ है। हाँ इसको आंजनी लग गया, चलो पता नहीं अच्छा है बुरा है, बट लग गया तो लग गया, कोई हम कुछ कर नहीं सकते। अभी फिलहाल ये है कि हम देखेंगे अड़द में किस तरह से मतलब फ्लावर खिलते हैं, फिर इसमें बीज जो है वो लगते हैं, ऑलरेडी लग गए हैं, और जो दूसरा पड़ा हुआ है वो लग रहा है, इसके बाद शायद तीसरा आएगा चौथा आएगा, आई डोंट नो, मुझे इतना फार्मिंग में पता नहीं है, पहले आता था, ये सब मेरे लिए अभी नया है, सो प्लीज़ आई डोंट जज मी। ये अड़द है, इसमें पहले जो इस तरह से फ्लावर खिले थे इसमें ये सींग लग गया है, तो अभी इसके अंदर बीज होंगे, ये फिर बड़ा बड़ा होगा धीरे धीरे। यहाँ देखो ये लग रहा है, फिर यहाँ पे ये फ्लावर है, यहाँ पे ये लग गया है, ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, मतलब यहाँ से लेके पूरा ऐसे है, देख रहे हो। सुबह सुबह गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है वीर को, तो मूछे बन गई है पसीने से, मूछे इसको खेती करना है, खेड़ना है, मतलब पूरा गीला गीला हो गया इसको खेड़ना है। दूसरा लेके आया, ये पेंट से खराब हो जाएगा तो फिर कैसे जाएगा, रास्ते में जाएगा, जो भी देखेगा पूछेगा ये क्या करके आए हो भैया, बारिश अभी आएगी, शायद बारिश आएगी और मुझे लेना है टाइम लैप, आई होप कि मैं ले पाऊँ। जया को ये इधर ये हो गया, ये आबरा का डाबरा हो गया, इधर देखो बाडिया हो गया, ये क्या हुआ, वेट वेट पता नहीं यार, घर पे बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या होता रहता है, इसका कोई क्रीम व्रीम वगैरह आता है तो प्लीज कमेंट में बोलो। और ये लखन भाई ये पता नहीं तोड़ता रहता है कुछ ना कुछ, उखाड़ता रहता है, उसको उखाड़ने का बहुत शौक है, क्यों उखाड़ते रहते हो भैया, रहने दो ना, बहुत सारा रहते है। चलो मैं इसको कहीं लगाता हूँ ताकि टाइम लैप अच्छा निकालूँ, उसका फुल ऑफ वाटर यार। थोड़ी देर बैठे और यहाँ पे बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं कि देखो आप कैलेंडर में देख जया और भूमि कि ये माह महीना कब आएगा, माह महीना, क्योंकि तब हमारे यहाँ शादी का मौसम आता है, शादियाँ होती है, तो यहाँ पे ये लखन भाई है इसमें देख रही है, एक चंदू ना है हमारे रिश्तेदार में, एक चंदू करके है जो आपने मेरे व्लॉग में देखा ही होगा, चंदू का विवाह है, हैशटैग चंदू इन द कमेंट, चंदू की शादी होगी इस बार, बहुत सारी शादियां हैं। धना ये हमारे यहाँ धना आता था पोरबंदर से बंगाल लेने, ऐसी साइकिल बिना पंखे की, और जिस तरह पे पेंडल आता था 500 बार सभी के। ओके सो अभी क्वालिटी में डिफरेंस आता ही होगा, क्योंकि हमने चेंज कर दिया है अपना कैमरा और पसीने से पूरे लथपथ हो चुके हैं, और इंटरनल माइक से जो भी रिकॉर्ड हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा माइक लगाया नहीं, जस्ट बिकॉज आई वांट टू हियर द फ्रेश साउंड जो यहाँ पे पीछे
ये ट्री पे बैठे हैं, बहुत ही गुनगुना रही है। लग गए भाई, बारिश हो गई, सूर्य पूरे भीग गए। काफ़ी तेज बारिश हो रही है पोरबंदर में और पानी कहीं से निकल नहीं सकता। पिछले कुछ 15-20 मिनट से आउटफिट पे मत जाओ, इस पे ये लगाया है क्योंकि कल ना हमारे यहाँ अपने आगे देखा ही होगा बारिश बहुत हुई, तो जो भी कपड़े थे वो तो भीग गए, जो घर के अंदर थे वो बुरी तरह से वो हो गए, मतलब कोल्ड हो गए, तो जो भी लपेटे हुए थे और कुछ बाकी था तो कहीं पर पड़ा था तो लपेट लिया। और अभी वीर को जाना है बाल कटवाने, आप देख सकते हो साइड प्रोफाइल दिखाओ भैया, इतने लंबे लंबे हो गए। क्यों नहीं कटवाना है? तू कटवाया ना कटवाया, कल तुझे पढ़ाई करने जा, मतलब ट्यूशन में जाना है, इसका कल ट्यूशन लगेगा तो इसीलिए बोल रहा है, क्योंकि घर पे बैठे बैठे वो भी आलसी हो गया, तो उसको उंगली मत करना, इलेक्ट्रिसिटी है भाई। हाँ थोड़ी देर ऐसे अच्छे से बैठो ना भैया, गर्मी हो रही है, 2 मिनट रुक जा, फिर ठंडा ही ठंडा हो जाएगा। तो अभी हम बाप बैठे जाएंगे हेयर कटिंग करवाने, बाद में मुझे भी काम है, और एज आई सेड बिफोर अपकमिंग व्लॉग यू विल गेट द सरप्राइज, समझ रहे हो ना, वो बाद में एक्सप्लेन करेंगे हम। हाँ जी क्यों जाना है, अभी जाते हैं, अभी इसका बाल कटवा के आते हैं, फिर मुझे वीडियो को एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है, और शायद आज या फिर कल हम कहीं जाएंगे, इसको पढ़ाई करने जाना है कल, तो बेस्ट विशेस एंड ऑल द बेस्ट। तो इस व्लॉग को यहाँ तक देखा है तो अच्छा है, और नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखें इसका हेयर कटिंग कैसा होता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ वीडियो, सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट बट नेवर ट्रबल विद एनीवन, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और ये थोड़ी उंगलियां, कल मैंने किसी का वीडियो देखा, उंगलियों के साथ बहुत खेलता रहता है, तो थोड़ी सी ऑब्जर्व करता हूँ ना लोगों को, तो आ गया ये बुरी आदत है, लेकिन क्या करें, कंट्रोल मजनू या शत्रुघ्न सिन्हा जैसी हालत हो गई। हाथ कपड़ मेरा, बाद में मैं बोलूंगा। ओके जया पास में ही बैठी है, लेकिन आबरा का डाबरा हो गया भाई, पूरा ऐसे हो गया, बाडिया हो गया, बात करती तो ये साइड भी पूरी इधर चली गई, तो कैसे हो, तो ऐसा हो गया, सॉरी फॉर देट, सच में ऐसा ही हो गया, जब ठीक हो जाएगी तब फेस करेगी, तब तक तो अच्छा नहीं है, क्योंकि बाद में अच्छा नहीं दिखता। दया इसको होल्ड कर भाई। ओके तो इस व्लॉग की समाप्ति हो गई है, तो अभी कुछ काम कर लो, कल फिर हम आएंगे सुबह या शाम, शाम को अच्छा लगता है, सुबह अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, काटोगे मैडम।